द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने, मधेपुरा से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन व्यवस्था और भारत नेपाल कोसी हाईडैम निर्माण की मांग सहित 10 उत्तरी मांगों को लेकर आज जनाधिकार पार्टी के द्वारा मधेपुरा जिला मुख्यालय के कला भवन के सामने एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में जहां एक तरफ आरजेडी और जदयू पर निशाना साधा, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए बिहार और केंद्र सरकार की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में 15 साल लालू यादव की हुकूमत रही, उसके बाद नीतीश कुमार के हाथ में 20 सालों से बिहार का बागडोर है, बावजूद इसके बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? आज तक बिहार में 60% लोग शिक्षा से महरूम क्यों है? 99% लोगों के पास वाहन और कंप्यूटर नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए जाप सुप्रीमो ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भी कभी कई बार चुनावी सभा में खुले मन से बिहार की जनता से वादा किया था कि आप मुझे बिहार दीजिए, हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। फिर आरा में उन्होंने 5,000 करोड़ देने की घोषणा की। इसके बाद कटिहार में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी ने कोसी और सीमांचल को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 500 करोड़ देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना 5,000 करोड़ मिले और ना ही 500 करोड़ का कोई अता पता है। सब के सब जुमले साबित हुए। इसी तरह नीतीश कुमार की भी कथनी और करनी में फ़र्क है। नीतीश कुमार भी चुनावी फायदे के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच में वे बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलाने की चाह रखते हैं तो जदयू के कॉन्वेंशन में बिहार के लिए विशेष राज्य का मुद्दा पूरी मजबूती के साथ उठाया जाता, लेकिन जदयू के कॉन्वेंशन से बिहार के लिए विशेष राज्य का मुद्दा गायब था, जो नीतीश कुमार की कथनी और करनी में के फर्क को जाहिर करता है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी और इस आंदोलन की शुरुआत आज से कर दी गई है, और जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, क्या डिमांड है आपका? अब तो देख ही रहे हैं कि जदयू के कन्वेंशन में विशेष राज्य का मुद्दा क्यों नहीं उठा, ये आप हमको बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा जन अधिकार पार्टी तो जेल भी गई, लाठी खाया विशेष राज्य को लेके, विशेष पैकेज को लेके, और हम सबसे ज्यादा विरोध किए थे लोकसभा में, हमने तो बिल फाड़ दिया था। और अडवाणी जी जब बिल पेश कर रहे थे तो हमने विरोध किया था, आप वो दिन याद करिए। हम तो चाहते ही नहीं थे बिहार का बंटवारा हो। किन लोगों ने बिहार का बंटवारा किया भाई? कौन जिम्मेदार है? आज बिहार गरीब क्यों है? आज 7% यदि एजुकेशन नहीं है, 20 साल आप रहे हैं, आप 15 साल रहे हैं, सब लोग आप मिल करके, यदि 96% दाखिल नहीं है लोगों के पास, 99% कंप्यूटर, तो इसके दोषी कौन है? जनप्रतिनिधि सत्ता ना। और बिहार यदि बाहर में पिटाई कर रहा है तो कौन दोषी है? आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि आप हमको सरकार दीजिए, हम आपको विशेष राज देंगे। क्या मैं तो चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, यदि गांधी मैदान में ये सवाल, ये शब्द न उठा हो, या तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दे या तो हम राजनीति छोड़ दें। फिर 5,000 करोड़ रुपया का घोषणा किया आपने कि 5,000 करोड़ रुपया हम देंगे आरा में, आप 1 रुपया नहीं दिए। फिर 500 करोड़ का आपने घोषणा किया कटिहार में, आप नीतीश जी के साथ बाढ़ में, आप 1 रुपया नहीं दिए। आप पटना सेंट्रल स्कूल के लिए आज तक एक बार नहीं बोले। आप बिहार के बंद पड़े फैक्ट्रियों को आपने कई बार बोला, मोतिहारी में जाके कि चीनी मिल शुरू होगा, 3 बार गए, 3 बार बोले शुरू होगा, सारा चीनी मिल बिक गया, पेपर मिल का सारा गाज ब्रिज लेके चला गया, बनमनखी का चीनी मिल का सारा गाज ब्रिज लेके चला गया, आप हमको जरा बताइए। तो ये जो मुद्दा है विशेष स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य और सहरसा एम्स, रेलवे, कुरसेला से भीमनगर को जोड़ना और बख्तियारपुर से कुशेश्वर स्थान को जोड़ना, ये जो मुद्दा है हमारा कि इस इलाके में प्रेस, पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया उपराजधानी, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, भागलपुर एयरपोर्ट,
आप इसको कभी गंभीरता से सोचिए ना, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा या उसका लाइसेंस। दूध, फूड प्रोसेसिंग, मक्का और मखान पर फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज आप कब देंगे? हाईडैम कब बनेगा? जो मुद्दा आप बचपन से शुरू से, हाईडैम के बगैर क्या हम बाढ़ को मुक्ति करा पाएंगे? और ये हाईडैम मुद्दा किसका है? जिसकी सरकार बनती है सबसे ज्यादा कोशिश सीमांचल कुर्बानी देता है और सबसे ज्यादा अपमानित आपने हम लोगों को किया, सबसे ज्यादा पलायन आज हमारे इलाके से, सबसे ज्यादा गाली किसके चलते हम सुन रहे हैं? कौन है इसके जिम्मेदार? गरीबी ये आलम क्यों है? क्यों 82% लोगों के पास एक बीघा से नीचे जमीन है? 35 साल होने के बाद आप क्या किए? क्या लगता है सरकार डिमांड पूरा कर पाएगी? सर लड़ेंगे, आर पार लड़ेंगे। आज शुरुआत हुई है, अगले मंगल को उपवास पे जाएंगे, फिर रोड जाम है, फिर रेलवे जाम है, फिर बंद करेंगे, फिर आप करो मरो के साथ। जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, गुज्जर आंदोलन हुआ कि नहीं? तेलंगाना हुआ कि नहीं? जब हमारी जनता जग जाएगी ना, तो मरता क्या नहीं करता, फिर मरेंगे लेकिन विशेष राज लेके रहेंगे, विशेष पैकेज, कोसी सीमांचल की आजादी और इस इलाके के जो मुद्दे हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। सर एक बड़ा सवाल है, एक्चुअली चर्चा में है कि खरमास के बाद सरकार बदल जाएगी और बिहार की जो सियासत है, सियासत में ऐसा भैया हम कोनो प्रवक्ता है नहीं, जनता को कोई मतलब है नहीं, और राजनीति का मतलब ही होता है दोगलई, धुरतई, दुष्टई। कोई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, भगवान राम, अभूत तो लोग हैं नहीं कोई। इनको जिनको क्या करना है खरमास के बाद, ये तो चलता रहेगा। जनता मस्त है बेचारी, जनता अपने बारे में कम सोचती है, इन मेहमान चोर के बारे में ज्यादा सोचती है, अपने बच्चों की चिंता कम है जनता को, इन गलत लोगों की चिंता ज्यादा है। उसमें मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है? हमारी लड़ाई कोसी सीमांचल की है, मेरा मिट्टी और खून है। हम अपने मिट्टी खून से के बारे में पूछिएगा, मैं जिंदा जब तक हूँ गरीब के आंसू नहीं बहने दूंगा, जिंदा जब तक हूँ तब तक किसी को अन्याय नहीं होने दूंगा, न्याय के लिए पैदा हुआ हूँ। और ये जो डिमांड है इसको लेकर रहेंगे, सरकार आए भाड़ में जाए, कोई सरकार आएगी तो भैया फिर वही कुकर्म न है, जनता बेचारे पिसी जाती है, जनता क्या करे। लेकिन मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और भारत की जनता और किसान और यूथ सदन में जान देने के लिए खुद रहा है। आज यूथ को बचाना जरूरी है, छात्र के भविष्य को बचाना जरूरी है, 900 किसान मर गए, आत्महत्या कर लिया, उसकी रक्षा करना जरूरी है, महंगाई से बचाना जरूरी है। हमारे लिए मुद्दा है कि 150 से ऊपर लोकसभा के एमपी को निकाल दिया, सदन में हो तो ममता के भतीजा अभिषेक को पकड़ो, अरविंद केजरीवाल को डालो, हेमंत सोरेन को ईडी डालो, शरद पवार के पोता को डालो, स्टालिन के बेटा को डालो, उद्धव ठाकरे के बेटा को डालो, मतलब सड़क पर लड़ो तो भीतर जाओ। जो लोग चले गए बीजेपी में वो महात्मा गांधी, और जो बीजेपी में नहीं गए वो चोर, उसको ईडी सीबीआई लगाओ। तो यदि देश बचाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और इंडिया गठबंधन को अहंकार त्यागना चाहिए।